नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम आपको कोई न्यूज नहीं बल्कि एक ऐसा क्रिएशन बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद, इसे सुनने के बाद आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है। जी हां, हम आपको बताने वाले हैं बिल्डिंग बनाने के नए तकनीक के बारे में। मकान बनाने में महीनों नहीं वर्षों लग जाता है, लेकिन आपको आज जो हम दिखाने वाले हैं वो मात्र 40 दिन में बना हुआ डुप्लेक्स बिल्डिंग है, एक फार्म हाउस है, इसे महज 40 दिन में बनाया गया है और इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो लग्जरी लाइफ जीने वालों को चाहिए होता है। इसे बनाने के लिए जो काम किया है मल्टी डेकोर कंपनी है फरीदाबाद में, इन्होंने किया है और इनके चेयरमैन हैं हमारे साथ आर सी चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय समय पर आपके पास आते हैं और नई नई चीज़ें आपको बताते हैं। आज आप बताने वाले हैं ये जो आपने फॉर्म हाउस तैयार किया हुआ है इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कितना टाइम लगा है। धन्यवाद मनोज जी। ये जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इंडिया में ये कंसेप्ट मल्टी डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाई है और इस काम को मैं 30 साल से कर रहा हूँ, कोई आज की बात नहीं है। यहाँ पे आपने सुना ही होगा ये जो जितने भी रेडियो स्टेशन है वो हमारे डिजाइन पे ही बना है, रेडियो सिटी। तो वो भी 20 साल पहले हमने बनाया था। तो ये हमें अच्छा लगता है एक नए आइडिया ढूंढने में, नया काम करने में, चैलेंजिंग जॉब करने में। और ये जो कोठी है ये फार्म हाउस के रूप में यूज करें, आप कहीं कोठी बनाएं उसमें यूज करें, कहीं टेरेस के ऊपर में बनाना चाहें उसमें आप लगाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईंट गारे के जो बिल्डिंग बनता है उसमें गर्मी सर्दी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनी है गर्मी में गर्म नहीं होगा, ठंडे में ठंडा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन इंसुलेशन मटेरियल उसका हमने इस्तेमाल किया है और लेटेस्ट मटेरियल वगैरह हमने इसमें यूज किया है। और ये जो मटेरियल है जिस प्रकार से आपने कहा कि हमने ऐसी तकनीक से उसका इस्तेमाल किया है कि ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडा, मतलब ज्यादा हीट नहीं होता है, तो इससे लोगों को आजकल जिस प्रकार से वातावरण को लेके सारी चीजें की जा रही है, बिजली एफिशिएंसी को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी को लेकर की जा रही है, तो ये क्या उन चीजों को ध्यान में भी रखा गया है कि इससे लोगों का जो बिजली का कॉस्टिंग है वो कम आएगा? बहुत ज्यादा रखा गया है। जैसे मैं आपको बताया कि इंसुलेशन मटेरियल, दुनिया के बेहतरीन इंसुलेशन मटेरियल हमने इसमें यूज किया है। उससे क्या होता है कि जब आप एसी वगैरह यूज करते हैं, एसी आप चलाते हैं, जो आपको ईंट गारे का बना हुआ बिल्डिंग जिसमें वो इंसुलेशन तो रहता नहीं है, तो सारे आपको जो कूलिंग है वो कूलिंग सारे वेस्ट होता रहता है, वो ब्रिक जो गर्म हुआ पड़ा रहता है वो खाता रहता है। इसमें वो कहानी नहीं है। आप एसी अगर ब्रिक वाले बिल्डिंग में 1 घंटे चलाएंगे तब जाकर के कूल होता है, ये 15 मिनट में कूल होता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा छत को दिखा दें, तो छत जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है वैसे लग रहा है कि जैसे लिंटर डालते हैं, बिल्कुल सेम आपको वैसा ही दिख रहा होगा ये छत। और जिस प्रकार से इसकी फिनिशिंग की गई है, लाइटें लगाई गई है, तो आपको ऐसा कुछ बदलाव नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो ये बनाया गया है ये मकान जो है कहीं दूसरे मकान से चेंज, बिल्कुल वैसा ही दिखने में है और उससे बेहतर आप इसे कह सकते हैं। और अगर बात आप कॉस्टिंग की करें तो मुझे लगता है कि जो और मकान बनता है उससे कम कॉस्टिंग का होगा ये। बिल्कुल, ये जो हमने बनाया है ये करीब करीब 2900 स्क्वायर फुट में ये बना हुआ है जी, और केवल 45 लाख रुपए इसमें खर्चा है। बिल्कुल। और डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स जो आप देख रहे हैं ये डुप्लेक्स है बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वो महीनों नहीं सालों लग जाता है, और इस बिल्डिंग को बनाने में हमने 35 दिन केवल लगाया है। 35 दिन टाइम इसमें काफी आप बचा सकते हैं अगर आप ऐसे ऐसा मकान बनाना चाहें, टाइम बचा सकते हैं। हम लोग एक किचन देख रहे हैं, किचन ये बड़ा ही मतलब खुला है और इसमें वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, चूल्हा है, और आप अगर अपने गृहिणी
अच्छी गृहिणी के लिए, और जो आजकल के स्टैंडर्ड के लोग होते हैं कि फटाफट खाना बनाया और खाने के लिए डेस्क लगा हुआ है, टेबल लगा, इसको आप कह सकते हैं कि प्राचीन पद्धति को साथ में रखते हुए इसका डिजाइन किया गया है, और इस पे आप बैठ सकते हैं और फटाफट नाश्ता किया आपने और खाना खाया। ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, इसमें ये फायदा होता है कि आप और किचन एक अलग नहीं है। पहले ये होता था कि किचन का एरिया अलग होता था, उसको रूम ही कह सकते हैं। लेकिन ये तो मॉडर्न स्टाइल है, किचन ड्राइंग डाइनिंग सारे कंबाइन होता है, एक साथ ही होता है। जो आज के जो नए बच्चे, बिल्कुल नए बच्चे जो आजकल हैं, वो इसे ही पसंद करते हैं। अगर आप नए बच्चों की बात करें, शादी होती है और जल्दी चाहते हैं वो अलग हो जाए अपने माँ बाप से और अपना जो घर है खुद अपने आप सजाएं, उनको सजाने के लिए ये बड़ा अच्छा चीज है। और ये देखिए इधर अलग से बनाया गया है, और ये कॉन्सेप्ट नए बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कैंडल, कैंडल का है लाइट का कैंडल, कैंडल ये कैंडल है और ऊपर लाइट ऊपर भी एक कैंडल लगा हुआ है, ये लाइट लगा हुआ है, लाइट हमने लगा रखा है। तो इधर जो है ये बाथरूम है, मैं एक बार बाथरूम भी दिखा दूं। ये बाथरूम है, आज के दिन में खुला बाथरूम वगैरह होता है जी, तो खुले कंसेप्ट का ये बाथरूम है। ये बाथरूम है और स्पेस भी काफी है, और आप देखेंगे साफ सफाई के लिए सारी चीजों का इसमें इंतजाम किया गया है, और मतलब जो होना चाहिए एक अच्छे घर में उस तरीके से इसे भी बनाया गया है। और एक रूम यहाँ बनाया है, हाँ ये रूम हमने बनाया है गेस्ट रूम के लिए, अतिथि रूम बनाया है। मेहमान यहाँ आ सकते हैं उनके लिए हमने ये रूम बनाया है, जिसमें फर्नीचर तो अभी भी लगा है, अभी तक हम बाद लगाएंगे उनके लिए सारे, हमने ये सेपरेट ये बाथरूम है, अटैच बाथरूम है गेस्ट रूम के लिए, अटैच बाथरूम है ये भी अच्छे डिजाइन का, इसका जो वॉश बेसिन है वो कुछ अलग डिजाइन में है, और आप देखेंगे नहाने के लिए ओपन कंसेप्ट आजकल हो गया है कि यहाँ पे ग्लास पार्टीशन लग जाता है और इसके अंदर में फुहारे में आराम से नहाएं, तो यहाँ पे केवल ग्लास में लगाना है ये पार्टीशन, और ये नहाने के लिए सफिशियंट है। और इस तरीके से ये नया कॉन्सेप्ट है, और ये जो बनाया गया है उसे कहते हैं इस सिस्टम को पोर्टेबल हाउस सिस्टम, पोर्टेबल हाउस सिस्टम के तहत इसे बनाया गया है। और इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो आपने बताया, सारे फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज हुआ है, कहीं लकर का काम नहीं हुआ है, कोई लकर का काम नहीं हुआ है, और ना ही इसमें ईंट लगे हुए हैं, कोई ईंट गाड़े का कोई काम नहीं है। और टाइल्स जरूर लगे हैं जो आपके घरों में टाइल्स होता है, हाँ। और ये टाइल्स इंडियन है या इम्पोर्टेड है? ये इम्पोर्टेड है, वैसे इसको तो हम कहते हैं ये जो है सतवायु कहलाता है, अच्छा। लेकिन ये सतवायु नहीं, आर्टिफिशियल टाइल्स है। एक बार साउंड सिस्टम भी आप देख लें, हमने साउंड सिस्टम के बारे में दिखाया था, तो ये साउंड सिस्टम आपने कहीं से परचेज किया है, सोनी का है ये, और लोग को सजाने के लिए जो साउंड सिस्टम है ये जरूरी है, साउंड सिस्टम होना चाहिए, या घर में बार होना चाहिए, या ओपन किचन है, सब कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लाइफ स्टाइल अगर जीने का मजा लेना हो, और चाहे नए दंपत्ति हो या फिर रिटायरमेंट के बाद, जिस प्रकार से कहते हैं कि कमाई के बाद रिटायर हो गए उसका आनंद लेना है रिटायरमेंट का, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे दिया हुआ है रिटायरमेंट का आनंद। इस मामले में तो मैं एक बात कहूंगा, कोई भी शख्स अगर रिटायर होने जा रहा हो 6 महीने पहले मुझे बता दे, 3 महीने पहले बता दे, या 2 महीने पहले ही बता दे, साहब मेरा ये जगह है आप हमें कोठी बना दो, उनको उनके रिक्वायरमेंट चाहे डुप्लेक्स की हो चाहे सिंगल स्टोरी की हो, मैं महीने दिन के अंदर 1 महीने में आप उन्हें बना के तैयार कोठी
इनके सारे फैसिलिटी जो भी उनको चाहिए सारे हम मुहैया करा देते हैं एक से डेढ़ महीने के अंदर। बिल्कुल, ये जो समय का जो इनके पास ये है समय सीमा, एक से डेढ़ महीने में आपका मकान तैयार हो जाता है, जबकि इस तरह का मकान बनाने में कम से कम आपको 8 से 10 महीना लगना चाहिए। अगर आपकी इजारे का मकान और दिन रात आप लगे रहे, दिन रात आप लगे रहे तो आपके अगर मजदूर हैं वो भी दिन रात लगे रहे तो आपका कारपेंटर एक सामान दिखाता है, कारपेंटर सामान लेके आएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले का लिस्ट लेकर तैयार रहता है, वो चला जाएगा, फिर प्लम्बर वाले का रहता है, तो आप हर समय घर जो बना रहे हैं वो और मार्केट आपका वो दरिल बना हुआ रहता है। इसके जगह पे हम कहते हैं कि आप हमें सारे जो भी बस आप हमें बता दीजिए डिजाइन, हम तैयार करके डिजाइन आप उनको दिखाते होंगे कि ये डिजाइन है, इस डिजाइन में पसंद कीजिए, तो जो डिजाइन पसंद किया वो डिजाइन में आपने उनको बना के कंप्लीट कर दिया। हाँ, तो सबसे पहले हम डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन एक्सेप्ट कराते हैं उनसे, जहाँ वो कहते नहीं मुझे यहाँ ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जैसे भी उनको जब पसंद आता है उसके बाद में हम फिर उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू करते हैं बनाने की। और वो भी सबसे पहले हम अपने यहाँ डिजाइन करने के बाद में इसको बनाते हैं अपने फैक्ट्री में, मतलब 2-3 डिजाइन उनको पहले आप देते होंगे। हाँ। उसमें से वो चूज करते हैं कि आपको कैसा, मतलब इसका आर्किटेक्ट के हिसाब से या स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसका रूम कहाँ रखें, वास्तु के हिसाब से, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है उनके वास्तु के हिसाब से उनको तैयार करते हैं, सारे ख्याल हम उनका रखते हैं जो हमारे ग्राहक होते हैं उनके हिसाब से हम वो कंसेप्ट तैयार करते हैं और फिर उसके बाद में हमारे फैक्ट्री में ये बनता है और ला करके हम 90% फैक्ट्री बनाते हैं और यहाँ इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल, आपके जगह पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बनके ये जो है वो तैयार हो जाता है आपके फैक्ट्री के अंदर ही। तो और ये जो बेड है ये बाहर से परचेज करते हैं, ये भी आप अपने यहाँ नहीं, ये बेड हमने बाहर से परचेज किया, बहुत सिंपल बेड है, कोई खास वो नहीं है इसमें खासियत, सिंपल हमने सब कुछ रखा हुआ है, कोई ये नहीं कि कोई तरल भरल वाली चीज हमने लगा दी, वो आपने देखा ये सिंपल जो भी है सिंपल है। और अगर रहने की दृष्टि से करें कंफर्टेबल, जो आजकल लोग चाहते हैं कंफर्टेबल के दृष्टि से अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा घर है ये, और इसमें अगर आप रहेंगे तो जीवन का आनंद आपको महसूस होगा। पर्दे वगैरह जरूर हमने लेटेस्ट लगाए हैं जो आज का कंसेप्ट है, आज का जो कंसेप्ट है हमने पर्दे वगैरह लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओल्ड फैशन वाले हमने लगा दिया, ऐसा नहीं है लेटेस्ट जो आज के दिन में पर्दे सबसे ज्यादा कॉस्टली होता नहीं है, जी जी जी, तो जो आज के दिन में मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से हम लगा के देते हैं पार्टियों को, क्योंकि पार्टी भी कहती है कि भाई आज के दिन में क्या चल रहा है वो आप बताएं, बिल्कुल ज्यादा खर्चे ना हो और बढ़िया बढ़िया हो, तो उस हिसाब से हम उनको ये सब करके देते हैं। यहाँ ऊपर में भी अटैच बाथरूम बनाया हुआ है इन्होंने, और ये आपको हमने नीचे दिखाया था, और यहाँ का बाथरूम कुछ अलग है, जो नीचे हमने 2 बाथरूम दिखाया था उससे ये अलग, आप देख पा रहे हैं आप तमाम को, ये अलग बाथरूम है और इधर आपको टब है, और आपको मतलब स्पेसियस है, इसको आप स्पेसियस बाथरूम कह सकते हैं, कोई आपको ये नहीं लगेगा कि आप कंजेस्टेड महसूस करें, आराम से आप इसमें स्नान कर सकते हैं, आप इसमें अगर आपका वॉशिंग मशीन है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और किसी भी तरह से आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीने के लिए यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, और इन सारे सुविधा को अगर आप अपने यहाँ लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मल्टी डेकोर से संपर्क करना होगा। मल्टी डेकोर इंडिया फरीदाबाद में है, और उनका चेयरमैन आपको जैसा कि हमने बताया आरसी चौधरी साहब हैं, और इनका नंबर भी हम आप लोगों को शेयर करेंगे। अभी कुछ और चीजें आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरा रूम है, और इस रूम में हम आपको दिखाएंगे कि क्या वहां पे एक्स्ट्रा, ये कॉमन एरिया है जिसको ड्राइंग रूम हम कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, नीचे इन्होंने गेस्ट रूम ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ भी आप अगर अपने गेस्ट को यहाँ पे बिठाना चाहें लाना चाहें यहाँ भी आप ला सकते हैं उन्हें।
इधर आपका बाहर का नजारा देखना चाहें तो यहाँ बैठे बैठे आप ग्रीन रीड और बाहर के ये सारे देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। और ये सारी जो तकनीक है ये आपको कहीं महसूस नहीं होगा कि जो आम घर है ईंट पत्थर गारे का सीमेंट का जो आम घर है उससे अलग है, ऐसा देखने में आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा लेकिन है बिल्कुल अलग। इसमें ईंट गारे सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है और यही इसे और बिल्डिंग से खास बनाता है। खास बात जो है इसका वो यही है, इसलिए ये हमारे लिए न्यूज है। आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज कैसे हो गया, लेकिन न्यूज ये इसलिए है कि ये ईंट पत्थर या गारे से या सीमेंट से बालू से नहीं बनाया गया है, ये बिल्कुल अलग मटेरियल से बनाया गया है। पोर्टेबल हाउस है और ये मात्र 35 दिनों में आपने बनाया, ये 35 दिन में हमने बनाया है और इसमें हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी कोई हाथ नहीं था, केवल हमने अपने आइडिया से इसको बनाया है। अब उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसका सारे डिजाइन किया है कि हमने कहाँ क्या चीज लगाया है, कि क्योंकि कोई पार्टी अगर पूछे तो हमारे मार्केटिंग वाले जो वो जवाब दे सके कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया है। और जो इंटीरियर डिजाइनर वाले इनके टीम है, बहुत बड़ा टीम है, आपको हम वो भी दिखाएंगे, इनके ऑफिस का भी फुटेज हम आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत बड़ा टीम है, फैक्ट्री में सैकड़ों वर्कर काम करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जिस प्रकार से बता रहे थे कि खासतौर पर पहाड़ी इलाके में ऐसा कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है, तो अभी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह है तो वहां अभी जो नया कानून बनाया है मोदी जी ने तो वहां भी लोग जमीन खरीद सकते हैं, तो जो लोग चाहे कि पहाड़ों के बीच में अपना ऐसा घर बनाए तो उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात और है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है जी कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं है, लेकिन पोर्टेबल हाउस आप बना सकते हैं जो खोल करके कहीं उठा करके शिफ्ट किया जा सके या यहाँ से हम ले जाए वहां इंस्टॉल कर दें, तो ऐसे बिल्डिंग के ऊपर भी प्रतिबंध नहीं है। ये अगर कहीं पे जिस प्रकार से जो ग्रीन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा रखा है इन्होंने, तो उस जगह पे भी आप इस तरह का मकान बना सकते हैं, ये अलाउड है, बिल्कुल एनजीटी की तरफ से ये अलाउड है। हाँ, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि ये पोर्टेबल हाउस है। आप अगर 5 साल या 2 साल बाद चाहे तो इसे यहाँ से हटा के दूसरे जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, ज्यादा उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसके पिलर वगैरह है सारे नट बोल्ट के ऊपर में ये बिल्डिंग है, नट बोल्ट पे ये अगर इसको हम खोलना चाहें तो ये 5-7 दिन में 1 सप्ताह में इसको सारे पार्ट पार्ट खोल सकते हैं। और बड़ी बड़ी बात है, ये भी अलग चीज आपने सुना, ये ऐसी बिल्डिंग है जिसे आप 5-7 दिन में खोल सकते हैं और फिर दूसरे जगह जाके इसे फिर से बनाने में वही 5-7 दिन या 10 दिन लग सकता है या ज्यादा, इंडिया के बहुत सारे कोने में हम अलग अलग बिल्डिंग बना करके दे रहे हैं और इसी बेस पे हमें ऑर्डर मिल रहा है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप कहीं बिल्डिंग एक बना दिया वो वही का वही रहता है, पहले प्रोजेक्ट पे बिल्डिंग बनती थी, लेबर कैंप हो, सीमेंट गोडाउन हो, ऑफिस ब्लॉक हो, वो ये लोग तोड़ तार के अपना चाहे L&T हो या बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी है वो तोड़ तार करके फिर वहां से निकल लेते थे। अब जैसा तो बना हुआ है वो छोड़ते अपने निकल लिए, लेकिन अब जो ये लोग बना रहे हैं ये आपको दोबारा से यूज हो सकता है। कुछ ऐसे है लिफ्ट एंड शिफ्ट, कुछ ऐसे है कि वहां से खोले दूसरे जगह फिर इंस्टॉल रीयूज कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया है कि इसे आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम आपको वो भी दिखाते हैं कि ये जो बाथरूम का एरिया है तो इसमें कुछ काम एरिया है जी, इसमें कुछ काम चल रहा है और ऐसे लोग इसमें एक तो वार्डरोब वगैरह ये बन रहा है इधर जी जी जी, और दूसरे तरफ ये बाथरूम के फिटिंग्स वगैरह सारे लगा है जहाँ जहाँ पे आप ये सारे फैसिलिटीज देख रहे हैं, चाहे नहाने का हो और अंदर आ जाइए, आप लोग आप अंदर आ जाइए, काम करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इनके स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं और इस तरह से ये लोग काम करते हैं और इसी तरह से ये लोग यहाँ पे 35 दिन में इस मकान को इन्होंने तैयार किया है।
और ये मकान 35 दिन में बन गया है, 35 दिन में बनकर तैयार हो गया है। आप उधर भी दिखा दीजिए, जो ये नहाने का है, नहाने के लिए बाथरूम है, शावर लगा हुआ है, स्टैंडर्ड शावर आप देख सकते हैं, झरना जिसे कहते हैं, झरने में आप नहा रहे हैं। और इसमें आप ऐसा फील करेंगे कि आपको पूरा नहाने का आनंद आ जाएगा और जो लाइफ है आपका ऐसा महसूस होगा कि इस कलयुग में आप सतयुग में आ गए हैं, स्वर्ग जैसा आपका लाइफ जो है वो आपको महसूस होगा। तो ये आप देख रहे हैं और इसी को दिखाने के लिए आज हम आपके पास आए थे। आपको ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो लोग अपने जॉब से फ्री हो गए हैं, रिटायरमेंट की लाइफ में जाने वाले हैं, या फिर जो लोग अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, लाइफ का नई शुरुआत करने वाले जो कपल हैं, जिनकी शादी हुई है या होने वाली है, और स्वाभाविक है हर कोई चाहता है कि माँ बाप भी है और हम अलग से भी रहे, तो वो लोग भी आप ऐसे मकान का प्रपोजल लेके मल्टी डेकोर के पास आ सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी बताइए, आपको अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। md@multidecor.in बिल्कुल, उस पे कॉन्टेक्ट करें। और जो आपका कस्टमर केयर का नंबर है, हाँ, वो 9953558947 8947 एक बार फिर से हम आपको रिपीट करें, 9953558947 8947 ये आप या तो इनको ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर आप इन्हें जो नंबर बताया है उस पर फोन कर सकते हैं, और फोन करने के बाद आपके वो सारे जो क्वेरीज होंगे, जो आप पूछना चाहेंगे, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा। और आपके वो सारे सवाल सुनने के बाद लगेगा कि आप इस तरह का मकान बना सकते हैं, और बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान। और सबसे बड़ी बात कि आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। आप रिटायर होकर के आए और अपने घर में आराम से बेड पे बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे, किचन में बैठ करके नाश्ता करें, खाना, जीवन का आनंद, जीवन का आनंद। एक सवाल और रहता होगा कि जो ईंट गाढ़े पत्थर का मकान है उसे लोग सोचते हैं मजबूत है ना, हमारा अपना है और मजबूत होगा, इसकी मजबूती को लेकर आप क्या कहेंगे, कितना मतलब मजबूत है, कितना लाइफ है इसका लाइफ। देखिए, जो हमने आज से पहले बिल्डिंग बनाया है, आज से 20 साल पहले भी, उसका जो लाइफ है कम से कम 30 साल है, जो हमने 20 साल पहले बनाया था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि जो हम स्टील यूज करते हैं या स्टील के ऊपर में जो हम कोटिंग वगैरह देते हैं, उससे उसका लाइफ 30 साल, 35 साल, 40 साल तक ये हो जाता है। और अगर आप मेंटेनेंस वगैरह करते रहे तो हम लोगों की जो लाइफ, अगर किसी की लाइफ मान ली 50 साल उम्र है उनकी, तो 35-40 साल तो भूल जाएंगे इस बिल्डिंग में कुछ कुछ होने वाला है। बाकी आम बिल्डिंग में भी वही होता है कि भाई कहीं इंटीरियर वगैरह आप करवाते ही है, पेंट पॉलिश करवाते ही है, महसूस है कि कलर इसका चेंज करना है तो आप इसको दूसरे कलर में करा सकते हैं, फिक्स कलर है, आप किसी भी कलर में करा सकते हैं। और दूसरे मकान जो है वो मकान भी आपको वही 45-50 साल उसका भी लाइफ होता है पत्थर वाले का, और इसका लाइफ है 40-50 साल, बढ़िया से आप इसमें भी रह सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि इस मकान को लोग चूज करें? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो लेटेस्ट कंसेप्ट है और लेटेस्ट मटेरियल के साथ में बना है, उसमें खासियत जैसे आपको मैं बताया कि ये सर्दी में ठंडा नहीं होगा मकान, गर्मी में ये मकान गर्म नहीं होगा, गर्मी में भी अगर आप बेडरूम में बैठते हैं, आप एक घंटे के लिए एसी नहीं चलाएं, आप 15 मिनट के लिए चला दें, तो आप घंटे दो घंटे आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईली इंसुलेशन मटेरियल कॉक पैनल होता है, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसुलेशन मटेरियल किया है,
तो ये भी आपको होगा कि दुनिया में तो ये चीज है लेटेस्ट, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। सबसे लेटेस्ट मटेरियल यहाँ पे सबसे लेटेस्ट मटेरियल यूज हुआ है और सारे तकनीकी का ध्यान रखा गया है। और आपको अभी तक अगर आपने इस बात को समझने में कोई आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिए हमने आपको एक ईमेल आईडी दिया है और multidepot.in एक वेबसाइट है इनका, उस पे जाके आपको और बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है। और जो हमने आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बताया है उस पे कॉल करके भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये टेरिस एरिया है और इसको इस सोच के साथ बनाया गया है, यहाँ पर आप अगर ठंड का मौसम है तो यहाँ पर आप बैठें और आपको पूरे दिन धूप मिलेगा। इधर से सूर्य जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के बाद और घूमते घूमते पूरा सूर्य देवता जो है आपके पश्चिम दिशा में जाएंगे, तब तक आपको यहाँ धूप का आनंद मिलेगा। मतलब सुबह से लेके शाम तक आप धूप का अगर आनंद लेना चाहें यहाँ से बैठ कर ले सकते हैं। और बात करें गर्मी के दिन की, तो गर्मी के दिन में आप शाम में जैसे सूर्य थोड़ा नॉर्मल होता है 5-6 बजे के बाद आप यहाँ से बैठ के हवा ले सकते हैं, प्राकृतिक का आनंद ले सकते हैं। एसी में तो सभी रहते हैं लेकिन जो ओरिजिनल हवा है वो आपको यहाँ पे शीतल प्रदान करेगा, शीतल आपको महसूस होगी। खुला एरिया बिल्कुल शाम में भी, मतलब गर्मी के दिनों में भी शाम में अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, जो हवा है चारों तरफ का हवा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारा चीज व्यवस्था इन्होंने किया है। चौधरी साहब एक चीज और आप बताएं कि जिन लोगों को मान लीजिए जैसे आपने बताया कि इसके जो बनाने का टाइम है 35 से 40 दिन या 50 दिन मान लीजिए, और जो इसका कॉस्टिंग आपने बताया वही 40-50 लाख रुपए बताया जी, तो इसमें क्या जैसे और बिल्डिंग लोग बनाते हैं तो उसमें फाइनेंस हो जाता है, बैंक फाइनेंस कर देते हैं, तो क्या इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बैंक वाले फाइनेंस करने के लिए तैयार होंगे, बैंक में ये अलाउ है इस टाइप का बिल्डिंग फाइनेंस करना? नहीं अभी इस पे हमने काम नहीं किया है लेकिन बहुत जल्दी इस पे भी हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें चाहे मैं कनाडा में पीछे जर्मनी रह गया जी, वहाँ भी इसी टाइप की बिल्डिंग बनती है और सारे बैंक फाइनेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ का वो माहौल अभी नहीं बना है, बैंकों को अभी किसी ने प्रपोज भी नहीं किया है, नहीं किया है कि पोर्टेबल हाउस इस तरह के बन सकता है और कि ये बैंक वाले से हम अप्रूवल लें, उसके लिए अप्रोच नहीं किया गया है। जब इसको 10 जगह तो आप जैसे लोग ही जो इसको बनाने वाले लोग हैं तो आप लोगों को ही पहले बैंक को ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि बैंक वाले को लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है और नया कॉन्सेप्ट है, लोगों के लिए सुरक्षित है, तो बैंक वाले भी इस पर भरोसा करेंगे और बैंक की भी जो टेक्निकल टीम होंगे वो आके सर्वे करेंगे। तो लगता है कि आने वाले समय में अगर किसी को फाइनेंस कराने की जरूरत अगर महसूस हो तो शायद उन्हें 2-4 साल में मोदी जी जिस प्रकार से हाईटेक टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं तो इस पे भी फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे आपने कहा टेक्निकल बात जी, हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उस एरिया का विंड प्रेशर क्या है, उसका जो भूकंप रोधी जो होना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, ये बड़ी वो हमारे सारे डिजाइन पहले उस पे डिजाइन किया जाता है कि विंड प्रेशर, अर्थक्वेक, ये सब सारे हम पहले अपने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है और डिजाइन सेक्शन जो है उसको सारे उस पे काम करते हैं, हाँ खरा उतारता है। जब उसमें खड़े बिल्डिंग उतर जाता है तो हम वही मटेरियल यूज करते हैं जो हमारे कंप्यूटर के वो पास होता है, है। मतलब आप अगर दिल्ली NCR की बात करें तो कहते हैं कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है और भूकंप बड़ा भूकंप आने की भी कई बार चेतावनी दी गई है, तो ऐसे जगह के लिए इस टाइप का मकान ज्यादा सुरक्षित है। ये स्टील स्ट्रक्चर पे है तो ये बिल्डिंग हिल सकता है लेकिन ये गिर नहीं सकता है। लेकिन ईंट गारे का जो होता है, सीमेंट का जो होता है, उसमें जगह जगह दरार आ जाते हैं। 5.5 के ऊपर में अगर जरा भी गया, 5 के ऊपर ही अगर
भूकंप आता है तो आप देखेंगे बिल्डिंग में दरारें आ जाती है, बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है और फिर वो आपके लिए जीरो हो जाता है, वो मकान आपके लिए जीरो हो जाएगा, ईंट आपके टूट जाएंगे, जो सरिया है सब उसका कोई सवाल नहीं होता है। और ये जो मकान है हल्का अगर ये हिल भी जाता है तो दोबारा से नट बोल्ट पे है, उसे आप टाइट करके दोबारा से वैसा ही बना लेंगे, ये इसकी बड़ी खासियत है। ये पॉइंट ये अगर भूकंप का जो एक वो माप है, स्ट्रक्चर जो है हाँ, अगर ये 8 के झटके भी इस बिल्डिंग पे लगे तो ये हिल करके अपने जगह पे वापस रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है हल्का सा ये टेढ़ा हो जाए, अगर एक का आ गया एट स्केल बहुत होता है, 8 स्केल का जो भूकंप है वो आप सुनते होंगे जापान में ज्यादातर आता है, जापान जैसे कंट्री में, और जापान जैसे कंट्री में यही टेक्नोलॉजी से लोग वहाँ के मकान बनाते हैं और तभी वहाँ पे हर साल भूकंप आते ही रहता है। और ये बिल्डिंग झेल पाता है, और ये बिल्डिंग जो ये टेक्नोलॉजी है ये उधर से ही लाया गया है, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी पहले था नहीं, तो वहीं से हमारे चौधरी साहब जैसे लोगों ने मिलके इस टेक्नोलॉजी को लाया है। और भूकंप रोधी जो ये बिल्डिंग आप इसे कह सकते हैं, भूकंप को झेलने की शक्ति इसमें सबसे ज्यादा है और ये जो खूबी है ये इसे खास बनाती है। दो चीजें होती है, एक तो भूकंप रोधी और एक जो विंड प्रेशर, विंड प्रेशर जो है बिल्कुल तूफान इस एरिया में जो आता है, जैसे हमने चेन्नई वगैरह में बनाया है बिल्कुल समुन्द्र के किनारे, हमारी बिल्डिंग काफी बनी है वहाँ पे, जो उनके परमाणु लग रहा है वहाँ पे, परमाणु संयंत्र जो बन रहा है, तो वहाँ पे हमने बिल्डिंग बना करके दिया है, तो हमने उसी पैमाने पे जो वहाँ पे विंड प्रेशर किया है या भूकंप का क्या उसका स्थिति होता है तो उसी पे डिजाइन करके हमने वहाँ बिल्डिंग बनाया। तूफान से लड़ने की भी शक्ति है इस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग में भूकंप से लड़ने की भी शक्ति है, तो ये इस बिल्डिंग की खासियत है और ये इस मायने में सबसे मजबूत साबित होती है। अगर आपको लगता हो कि ईंट पत्थर वाला बिल्डिंग जो है वो ज्यादा मजबूत है तो आप इस मायने में 100% आप ना रहे कि आपका जो ईंट पत्थर वाला मकान है वो भूकंप को झेल सकता है। चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी कर लें, आपके बिल्डर आपसे कुछ भी कहे कि हमने इसका जो पिलर बनाया है वो इस तरीके से बनाया है उस तरीके से बनाया है, लेकिन अगर 6 क्रॉस कर रहा है, 6 स्केल को भूकंप अगर क्रॉस कर रहा है, 7 के आसपास जा रहा है, तो आपका बिल्डिंग धराशाही हो जाएगा, होना ही होना है। जिस प्रकार से आपने कच्छ में सुना होगा 2002 में भूकंप आया, जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा होता है इस स्थिति में, लेकिन इस तरह की अगर बिल्डिंग बनती है तो इसमें जान माल के नुकसान नहीं है। और ये इस बिल्डिंग को खास बनाता है, इस बिल्डिंग का जो खासियत है वो ये है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ, हम विशेष खबर लेके आते हैं आपके लिए और ऐसे ही और भी विशेष बातें अगर हमें कहीं दिखता है या आप लोगों को कहीं कुछ नया दिखे तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं, हम आपको उस खबर से भी अवगत कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।